साल 2020 की शुरुआत दुनिया में बड़ी हलचलों के साथ हुई है। फिर चाहे अमेरिका और ईरान के बीच विवाद हो या फिर भारत में लगातार हो रहे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 2020 में दुनिया के सामने कौन सी बड़ी चुनौती होगी, इसको लेकर अमेरिका के एक ग्रुप ने रिपोर्ट जारी की है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की पांचवी बड़ी भू राजनीतिक जोखिम की लिस्ट में शामिल हुआ है, जिसमें देश में सांप्रदायिक एजेंडे, गिरती अर्थव्यवस्था को आधार बनाया गया है। अमेरिकी एजेंसी हर साल इस तरह की लिस्ट जारी करती है। यह अमेरिका की सबसे प्रभावशाली रिस्क असेसमेंट कंपनियों में से एक है। भारत को लेकर इस रिपोर्ट में लिखा गया है, नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपना दूसरा कार्यकाल सामाजिक मुद्दों पर बिताया है। साल 2020 में इसका असर देखने को मिलेगा। न सिर्फ विदेश नीति बल्कि अर्थनीति पर भी ये असर छोड़ेगा। एजेंसी में लिखा है, मोदी सरकार ने बीते दिनों में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हराया, नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठियों को लेकर सख्ती दिखाई, धर्म के आधार पर शरणार्थियों को नागरिकता दी। इन सभी फैसलों के पीछे सबसे बड़ा हाथ देश के गृह मंत्री अमित शाह का है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले साल में देश में धार्मिक मामलों पर राजनीतिक गरमाएगी, जिसका असर निचले स्तर तक दिखेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार के सामने कई चुनौतियां आएंगी। भारत की इस तस्वीर का असर दुनिया में पड़ेगा और विदेशी नीतियों को घाटा होगा। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लेकर भी बात की गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, यहां पर पाबंदी लागू कराना, इसके बाद नागरिकता संशोधन एक्ट पर हो रहे विरोध में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी है। अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया लगातार इन कानूनों को लेकर भारत की सरकार की आलोचना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाज और मीडिया।